हिंदुस्तान में पानी हाहाकार मचा रहा है। पानी के हमले से मकान धाराशायी हो रहे हैं। पानी की ताकत सड़कों को उखाड़ रही है। पानी के दम से पहाड़ बेदम हो रहे हैं। जल तांडव के आगे इंसान दम तोड़ रहे हैं। पानी के सामने ट्रक ट्रैक्टर सब पस्त हो गए। बाढ़ का पानी जानवरों का बसेरा छीन रहा है। हाईवे पर नाव चल रही हैं। यूपी में घाघरा राप्ती सरयू नदी का पानी कहर बरपा रहा है। बिहार में कोसी गंडक और गंगा रौद्र रूप में है। शहर शहर लहर के कहर में 80 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। करीब 20 लाख लोगों का आशियाना छिन चुका है। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड असम छत्तीसगढ़ में तबाही की बाढ़ आ गई है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। आधा हिंदुस्तान पानी पानी हो गया है। हिंदुस्तान के 4 राज्यों में पानी ने कहर बरपा रखा है। सबसे बड़ी मार उत्तर प्रदेश और बिहार पर पड़ी। यूपी में 10 लाख से ज्यादा लोग जबकि बिहार में 4 लाख से ज्यादा लोग पानी से पस्त हो चुके हैं। अरबों की फसलें डूब गई हैं। अभी तक 80 लोगों की जान भी जा चुकी है। 60,000 लोग राहत शिविरों में डेरा डाले हुए हैं। आपको बारी बारी से दिखाएंगे कैसे घर खेत इंसान जानवर सब त्राहिमाम कर रहे हैं। बाढ़ की सबसे बड़ी कवरेज में सबसे पहले देखिए कैसे पानी में लोगों की आशियाने ताश के पत्तों की तरह ढह गए। पानी के प्रकोप की ये हिला देने वाली तस्वीर देखिए। ये मकान देखते ही देखते धराशायी हो गया। जिस मकान की आप सिर्फ छत और ईंटें देख पा रहे हैं वो 3 मंजिल का पक्का मकान था, लेकिन पानी के प्रकोप ने इसे जमीन से उखाड़ दिया। आधी रात को जिस वक्त लोग गहरी नींद में थे, अचानक मकान एक तरफ झुकने लगा। तेज आवाज सुनकर घर के लोग बाहर भागे। आगे कुछ समझ पाते कि उनकी जिंदगी भर की कमाई पानी में समा गई। पूरा का पूरा मकान जमींदोज हो गया। कितने का नुकसान हुआ होगा आपका? 40 लाख का रुपया। ये तस्वीरें नालंदा के सोहसराय इलाके की। दरअसल पंचाने नदी बांध तोड़कर यहाँ रिहायशी बस्ती में घुस गई। बीते 4 दिनों से लगातार इस मकान पर बाढ़ का पानी चोट कर रहा था। धीरे धीरे ये मकान धंसने लगा और आखिरकार आधी रात भरभरा कर गिर गया। आसपास के 4 और मकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया। आवाज होने के बाद हम लोग जागे, तब देखे नदी के वह साइड में घर गिरा हुआ था। उसके बाद हम लोग रोड पर गए, प्रशासन आया, वो सब। और कितना मकान गिरा टोटल? और 4 मकान गिरा। नदी का ये पानी तेजी से रिहायशी इलाकों में बढ़ता जा रहा है। कई मकानों पर खतरा मंडरा रहा है। इस वक्त करीब आधा बिहार बाढ़ की चपेट में। सबसे खराब हालत नालंदा की है। यहाँ करीब 7 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। अब तक जिले में करीब 10 लोगों की मौत हो चुकी है। एनडीआरएफ की टीम लगातार लोगों को बचाने में जुटी है, मगर अभी भी कई ऐसे इलाके हैं जहाँ अब तक न तो रेस्क्यू टीम पहुँची है और न ही राहत का कोई सामान। इंसानों के साथ साथ जानवरों की जान पर भी खतरा मंडरा रहा है। पीने के लिए साफ पानी और खाने के लिए रोटी के लाले पड़ने लगे हैं। जाहिर है सैलाब ने बिहार की जिंदगी को बंधक बना दिया है।
प्रणय कुमार, नालंदा, इंडिया न्यूज। आगे आपको पूर्वी उत्तर प्रदेश लेकर चलेंगे, जहां की हालत सबसे ज्यादा खराब है। ये दिखाएंगे कि कैसे लखनऊ के नजदीक हाईवे पर नाव चल रही है, कैसे पानी ने लोगों को तबाह कर रखा है। लेकिन पहले पश्चिमी यूपी की तस्वीरें देखिए। उत्तराखंड के हरिद्वार में गंगा, आगे मुजफ्फरनगर में कोई और नदी, बस नाम बदल रहा है, लेकिन हर जगह तबाही तकरीबन एक जैसी है। उत्तराखंड के ऊपरी हिस्सों में भारी बारिश के बाद गंगा ने ऋषिकेश, हरिद्वार में विकराल रूप ले लिया है। ये तस्वीरें हरिद्वार की हैं। हरिद्वार के बेरंगी कैंप की, जिसके आसपास के इलाकों के करीब दो दर्जन गांवों में गंगा का पानी भर गया है। हालात ये हैं कि बाढ़ घर के अंदर तक आ चुकी है। घर में रहने वाले बुजुर्ग, बच्चे किसी तरह नदी पार कर सुरक्षित जगहों पर पहुंच रहे हैं। सबसे ज्यादा मुश्किल छोटे छोटे बच्चों पर पड़ी है। बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। घर की जरूरत का सामान लाने के लिए लोगों को पानी की तेज धारा के बीच से गुजरना पड़ रहा है। कोई हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। चले आज तीन चार दिन हो गया हम लोगों को, बच्चों को यहाँ पर रोड पे लेके पड़ा हुआ हूँ। ठीक है, और यही दहशत रहती है, पानी आ जाएगा, पानी आ जाएगा। हरिद्वार के बेरंगी कैंप का इलाका कलेक्ट्रेट से महज एक किलोमीटर की दूरी पर है। हरिद्वार में गंगा से सटे अधिकतर इलाकों की तस्वीर ऐसी ही है। ज्यादातर स्कूल बंद हैं। लोगों का कहना है कि प्रशासन की नाक के नीचे होने के बावजूद उन्हें बचाने के लिए कुछ नहीं किया जा रहा। दिक्कत है यही कि जो काम पर भी नहीं जा सकते हैं, काम पर जा रहे हैं, बाल बच्चे स्कूल भी नहीं जा रहा। हरिद्वार से नीचे अब मुजफ्फरनगर की हालत देखिए। यहाँ शुक्रताल इलाके में गंगा की सहायक सोनाली नदी में पानी अचानक बढ़ जाने से 20 से ज्यादा गांवों में पानी भर गया। बाढ़ में लोगों का हाल जानने के लिए पहुंचे भारतीय यूनियन के कार्यकर्ताओं ने एसडीएम जानसठ को घेर लिया। नाराज गांव वालों ने एसडीएम को घंटों धूप में खड़ा रखा। गांव के लोगों का आरोप है कि इस बार की बाढ़ में भी उनकी लाखों की फसल बर्बाद हो गई। प्रशासन कह रहा है कि वो मुआवजा देगा, लेकिन पिछले साल का मुआवजा अभी तक नहीं मिला। इनको गत वर्ष जो क्षति का नुकसान हुआ था, फसलों की क्षति, उसके एवज में कुछ हो नहीं पाया था इनको। ये समझ रहे थे कि अभी इनको मिलना है या नहीं मिलना है, इसको लेकर जो गत वर्ष की फाइलें हैं उसको हम कल तलब करेंगे। भोपा थाना के मजलिशपुर, तोफिर, नया गांव, सितापुरी, महाराजनगर गांव में पानी लोगों के घरों में घुस चुका है। किसानों की हजारों बीघा फसल खराब हो चुकी है। पशुओं के लिए चारे का संकट है। इंसान, जानवर सब परेशान है। कई सालों से बार बार बाढ़ आ रही है, 10 साल हो चुके कम से कम भी, और सरकार कोई भी मुआवजे की इच्छा नहीं है, कोई मुआवजा नहीं देती है, और बहुत ही दिक्कत होती है, बहुत ही परेशानी होती है। कम से कम 100 के 100% हमारी फसल जो नष्ट हो जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अब आपको पूर्वी उत्तर प्रदेश लेकर चलते हैं। यहां बाढ़ की दोहरी मार पड़ी है। एक तो पिछले 3 दिन से लगातार इलाकों में भारी बारिश हो रही है, वहीं दूसरी ओर नेपाल से आने वाला पानी घाघरा, सरयू, राप्ती, हर जगह कहर बनकर टूट रहा है। नेपाल से छोड़े गए पानी का कहर सीतापुर जिले को भी अपनी चपेट में ले चुका है। यहां तकरीबन 300 गांव में रहने वाले लाखों लोग बाढ़ के पानी में फंसे हुए हैं। तकरीबन 3 दर्जन गांव का संपर्क मुख्यालय से कट चुका है, जिसकी वजह से प्रशासन की कोई मदद बाढ़ पीड़ितों तक नहीं पहुंच पा रही है। सीतापुर जनपद के गांजर क्षेत्र में दर्जनों गांव तो ऐसे हैं जिनका बाढ़ के पानी ने वजूद ही मिटा दिया है।
पूर्वी उत्तर प्रदेश में इन दिनों बाढ़ ने कहर मचा रखा है। लाखों परिवार एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित होने का मजबूर हैं, जबकि हजारों गांव इस पूरे बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। हम आपको आंकड़े दर आंकड़े बताएंगे कि इन दिनों उत्तर प्रदेश में बाढ़ के हालात क्या हैं और कौन कौन से जिले प्रभावित हुए हैं। अगर जिलों की बात करें तो तकरीबन एक दर्जन से ज्यादा ऐसे जिले हैं जो बाढ़ की चपेट में हैं और वहां पर लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने को मजबूर हैं। ना सिर्फ इंसानी जिंदगियां बल्कि जानवर भी बहुत ज्यादा प्रभावित हुए हैं। घाघरा की बाढ़ ने बहराइच की रफ्तार को रोक दिया है। रामनगर में बीच रोड पर बाढ़ का पानी आ जाने से सड़क मार्ग बंद हो चुका है। इतना पानी रोड के ऊपर भरा हुआ जिससे बस जा नहीं रही, तो हम जा नहीं सकते हैं, इसकी वजह से जो हम लोग परेशान हैं। आशंका जताई जा रही है कि चौका घाट के पास पानी सड़क को काट सकता है, जिसकी वजह से भारी तबाही मच सकती है। बाढ़ का पानी हर घंटे लगातार बढ़ रहा है, जिससे हालात और भयावह होते जा रहे हैं। नेपाल के पानी से देवरिया के रुद्रपुर में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। यहाँ घाघरा और गोर्रा नदी में पानी बढ़ने से तकरीबन 100 गांव मुश्किल में हैं। नदी का पानी घरों की चौखटों को लांग चुका है। जिधर नजर दौड़ाओ उधर पानी ही पानी नजर आ रहा है। घाघरा के कटान ने किसानों की जमीनों को लील लिया है। कई मकान डूब चुके हैं, जिसके चलते लोगों में दहशत है। 10 दिन के अंदर में सिर्फ पिढ़ी गांव नहीं, ये लगभग 50 गांव डूब सकता है। अभी तक कोई अधिकारी नहीं आया और कटान बहुत ही ज्यादा है। चारों तरफ से नदी से घिरे हुए हैं, अभी कोई व्यवस्था नहीं है। हाँ, न कोई नाव की व्यवस्था है, न आने जाने का, न कोई आया है अभी गांव का प्रशिक्षण लेने की, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कैसे आदमी है। बाढ़ से बहुत ज्यादा तबाही मची है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के अगर जिलों की बात करें तो सीतापुर, लखीमपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, फैजाबाद और गोरखपुर के आसपास के जिले सिद्धार्थनगर, गोरखपुर और बस्ती जिले इन बाढ़ से प्रभावित हैं और सबसे ज्यादा इंसानी जिंदगियां यहीं पर प्रभावित हुई हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश का आलम यह है कि थमने का नाम नहीं ले रहा और अभी भी लोग एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित होने को मजबूर हैं। गोंडा जिले में घाघरा और सरयू किस तरह से तांडव मचा रही है, उसकी खौफनाक तस्वीर है ये। घाघरा खतरे के निशान से 150 सेंटीमीटर ऊपर और सरयू 60 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। नेपाल से आए इस जल प्रलय ने गोंडा जिले के तरबगंज और करनैलगंज में 3 दर्जन से ज्यादा गांवों को चपेट में ले लिया है। 3 दर्जन से ज्यादा गांवों को अपनी चपेट में ले लिया है। तकरीबन 20,000 से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं और शिविरों में जिंदगी बसर करने को मजबूर है। यहाँ पर सब बाढ़ से पीड़ित हो रहे हैं, कुछ मिल नहीं रहा है, न मट्टी तेल, न अनाज, न कुछ नहीं। प्रशांत वत्स के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बस्ती के 120 गांव चारों ओर से पानी से घिर चुके हैं। घाघरा नदी दर्जनों गांवों का वजूद मिटाने पर आमादा है। वहीं फैजाबाद में सरयू का ऐसा रूप लोगों ने लंबे समय के बाद देखा। घाघरा के बढ़ते जलस्तर फैजाबाद में सरयू का ऐसा रूप लोगों ने लंबे समय के बाद देखा। घाघरा के बढ़ते जलस्तर ने बस्ती के तकरीबन 120 गांव को चौतरफा घेर लिया है। उफंदे पानी ने बेघर तो किया ही, पेट पर भी हमला बोला है। बच्चे, बूढ़े या फिर जवान, किसी को दो वक्त की रोटी नसीब नहीं हो रही। इंसान तो फिर भी कहीं से इंतजाम कर लेगा, लेकिन जानवरों की हालत दयनीय है। घाघरा ने दर्जनों गांव के वजूद को मिटा दिया है। लोग अपनी जमा पूंजी लेकर जैसे तैसे दूसरे ठिकानों की तलाश में निकल पड़े। उफनते पानी के कटान से खेती की जमीनें पूरी तरह बर्बाद हो रही। अपने आशियानों को छोड़कर जो लोग शिविरों में पहुंचे हैं, उनके लिए भी प्रशासन ने कोई इंतजाम नहीं किया है, लेकिन सरकार और प्रशासन दुरुस्ती के दावे कर रहा है।
राम की नगरी अयोध्या सरयू के कहर से बेहाल है। खतरे के निशान से 75 सेंटीमीटर ऊपर बह रही सरयू का पानी हर घंटे 1 सेंटीमीटर की रफ्तार से बढ़ रहा है और नदी से लगे गांवों को निगलने के लिए बेताब है। सरयू ने फैजाबाद की 3 तहसीलों सोहावल, रुदौली और फैजाबाद सदर पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। प्रशासन ने सरयू के कहर से निपटने के लिए नाव और लाइफगार्ड जैकेट की व्यवस्था कर ली है। आजमगढ़ जिले से गोरखपुर और मऊ को जोड़ने वाली घाघरा नदी ने अपने कहर से पूरे इलाके को खौफ में डाल दिया है। देवरांचल के बदरहुआ गेज पर घाघरा खतरे के निशान से 82 सेंटीमीटर ऊपर और ढिगिया गेज पर 59 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है, जिसकी वजह से कई गांव का संपर्क आपस में टूट गया है। लोग जान बचाने के लिए उफनते खतरे से तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए। गांव वालों का कहना है कि प्रशासन ने बाढ़ से निपटने के लिए कोई इंतजाम नहीं किए हैं। फिलहाल जिला प्रशासन ने बाढ़ को देखते हुए 25 स्कूलों को बंद करने के आदेश दे दिए हैं। लेकिन सवाल ये है कि इतने भर से क्या बाढ़ के इस भयानक खतरे से निपटा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अब आपको दिखाते हैं दरभंगा से हैरान करने वाली तस्वीरें। देखिए सैलाब में फंसे एक शख्स ने कैसे बचाई अपनी जान। बिहार का दरभंगा जिला, ये लड़ाई जिंदगी और मौत की, ये जद्दोजहद जान बचाने की है। पेड़ पर चढ़े शख्स को देखिए, नीचे उफनता पानी, जरा सी गलती हुई तो सिर्फ मौत और कुछ नहीं। ये तस्वीरें दरभंगा जिले के कुमरौल गांव की है। ये शख्स एक टीले पर था, हल्की बारिश हो रही थी, लेकिन तभी बारिश तेज हो गई, टीले के आसपास का जलस्तर अचानक बढ़ने लगा और देखते ही देखते पानी कई फीट तक बढ़ गया। जान बचाने के लिए शख्स को खजूर के इस पेड़ पर चढ़ना पड़ा। कई घंटों के इंतजार के बाद पानी का स्तर कम होने के बजाय बढ़ता जा रहा था। पेड़ पर चढ़े शख्स के पैर कांप रहे थे, इसकी हिम्मत जवाब दे रही थी। इसी बीच दो लोग इस शख्स को बचाने के लिए बाढ़ के पानी में भी उतरे, लेकिन पानी के तेज बहाव के आगे इस लड़के की हिम्मत जवाब दे। अचानक पानी का स्तर और बढ़ गया। अब इस शख्स और पानी के बीच की दूरी महज 2 फीट थी। लड़के को अब पेड़ पर खड़े खड़े 10 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका था। हर कोई हिम्मत हार गया था, आशाओं ने घुटने टेक दिए थे, लेकिन देर से ही सही राहत और बचाव दल पहुंचा और लड़के की जान बची। शशि मोहन, दरभंगा, इंडिया न्यूज। और अब बिहार के सुपौल की तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं। यहाँ पर कोसी लोगों पर कहर बनकर टूटी है। नेपाल के पहाड़ों में जबरदस्त बारिश के चलते नदी का जलस्तर एकदम बढ़ गया है, जिसकी वजह से कोसी तटबंध तोड़कर रिहायशी इलाकों में घुस चुकी है। जिले की 3 तहसीलें सैलाब से बुरी तरह प्रभावित हैं। सुपौल, निर्मली और बीरपुर के हजारों लोग पलायन को मजबूर हैं और जो अपने घरों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं, उन्हें प्रशासन की मदद का इंतजार है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, प्रशासन की मदद का इंतजार करते हुए ये लोग और कोसी कहर किस तरह से बरपा रही है। तस्वीरें साफ साफ पूरी कहानी को बयां करने के लिए काफी हैं। बिहार के लोग सहम जाते हैं जैसे ही कोसी के 2008 के कहर की बातें सामने आती है। सैकड़ों लोगों की जिंदगी लील ली थी उस कोसी ने और इस वक्त भी तकरीबन वही हालात, क्योंकि जलस्तर लगातार बढ़ता हुआ चला जा रहा है। डांड भर के पानी हिल गए, यहाँ पे आ रहा हूँ। अब लोग कोई राहत नहीं यहाँ पे दे रहा है, नहीं नाव बहाली कर रहा है, क्या करूँ हम लोग, यहाँ पे सर मर रहा है। और अब आपको बताते हैं बिहार में बाढ़ ने क्या हाल कर रखा है। आपने नवादा, दरभंगा, सुपौल की हालत देखी, लेकिन बिहार के 9 जिलों में बाढ़ ने भारी तबाही मचा रखी है। करीब 7 साल बाद बिहार में एक बार फिर तबाही की बाढ़ आई हुई है। देखिए तस्वीरें, पानी ने बिहार का क्या हाल बना रखा है। एक दो जिले नहीं, कुल 9 जिले पानी में डूबे हुए हैं। 4 लाख लोग पानी में फंसे हुए हैं। पहले देख लीजिए
बिहार में बाढ़ ने कहां कहां तबाही मचा रखी है। देखिए ये तस्वीरें पटना से सटे हाजीपुर की है। यहाँ गंडक नदी में उफान आया हुआ है। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तराखंड में तबाही का पानी, इंसान जानवर सब त्राहिमाम, पानी में आधा